नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संतोष रेणु यादव और आप सबको, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो भी मेरे इस मुसीबत के वक्त में मुझे सहयोग कर रहे हैं। आप सब जितना मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और जिस लेवल का सहयोग कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं आपको ये जानकारी मैं दे देना चाह रहा था कि कल से मैं जो परेशान था यहाँ पे, जो यहाँ की सुविधाओं को लेकर के जो परेशानियाँ मेरी थी, वो परेशानियाँ अब धीरे धीरे कुछ कम होती दिखाई दे रही है। और थैंक्स यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, राजीव गांधी हॉस्पिटल, राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बार बार फोन आ जा रहा है, लाइफ में डिस्टर्ब हो रही है। थैंक्स यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं उनका, जो यहाँ के जो नोडल ऑफिसर सर हैं उनका दिल से थैंक्स। आप सबका, अरे यार क्यों ये सब, प्लीज जितने भी लोग हैं प्लीज कॉल मत कीजिए। लाइव आने का मतलब दोस्त ये नहीं कि कॉल करना शुरू कर दीजिए। आप सब के लिए ही लाइव में बताने के लिए, अरे गजब आदमी है यार। फोन कट करने के बाद तो समझा कीजिए कि फोन क्यों कट कर रहा है आदमी। तो वही चीजें हैं, दिल से शुक्रिया। और यहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं जावेद सर, और जो यहाँ के डायरेक्टर सर हैं उनका, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, यहाँ पे आज साफ सफाई भी हुई है। और इसके साथ साथ, साफ सफाई के साथ साथ, जिस चीज़ की परेशानी थी, जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी यहाँ पे पीने की पानी की, वो मैं आपको, ये देखिए पीने के पानी की यहाँ पे व्यवस्था हुआ है, लग गया है, ये डिस्पेंसर लग गया है। अब हम लोग गर्म पानी भी यहाँ पे पी सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना मैं चाहूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई भी जो है, यहाँ पे कल जो कूड़ा कचरा रखा हुआ था ये सब भी साफ़ हुआ है। ये सब भी अंदर में भी देखिए अंदर में भी सारा जो साफ सफाई है, अब ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में हैं। ये सब आप सब की दुआओं के बदौलत और आपके सहयोग के बदौलत हुआ है। जो भी है सब इस वक्त जितने भी लोग हैं, आप सब की सब सहयोग है और जिसके वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया है। वरना आप समझ सकते हैं कि मैं तो खुद यहाँ पे क्वारंटाइन हूँ, बाहर से बंद है, ताला लॉक है, तो कैसे हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर से चिल्ला करके भी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप सबका सहयोग नहीं मिलता। मैं दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो लोग सहयोग किए हैं, जो मेरे नज़र में जिनका अहम सबसे बड़ा जिनका सहयोग रहा है, उसमें प्रशांत सिंह राजपूत जी, जो गया जिला के रहने वाले हैं, बहुत ही नवयुवक हैं, बहुत ही अभी युवा हैं, उनका मेरे प्रिय मित्र प्रशांत सिंह राजपूत जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगा। इसमें मोहम्मद अखलाक खान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसमें
आप नीतीश राठौर जी का, मोनू मल्होत्रा जी, ये सब सिंगर हैं, अजीत गप्पू जी, बजरंगी यादव जी हैं, और भी लोग, खुशबू उत्तम जी, ज्योति कश्यप जी, इन लोगों का सहयोग रहा है। रोशन यदुवंशी, ये तो मेरा भाई ही है, तो इसके बारे में क्या कहा जाए। उसके बाद और भी लोगों का सहयोग रहा है, मैं याद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। धनंजय शर्मा जी का रहा है बहुत बड़ा योगदान, और अरुण सिंह भोजपुरिया काका जी का योगदान रहा है बहुत बड़ा, भोजपुरी इंडस्ट्री से और कोई और किन्हीं का नहीं रहा है। चलिए, जिनको जो बुझाया, जिन्होंने सहयोग किया उनका भी दिल से शुक्रिया, और नहीं किया सहयोग उनका भी दिल से शुक्रिया। चलिए, आप सब भी स्वस्थ रहें, माता रानी से कामना करेंगे कि आप सब भी जहाँ रहें मस्त रहें। और नेता की मैं बात करूँ तो जहानाबाद लोकसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान। सर को दिल से सैल्यूट। उसके बाद सोम प्रकाश यादव, ओबरा विधानसभा के पूर्व विधायक, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सर को प्रणाम। चिराग पासवान जी, वर्तमान जमुई के सांसद, जो आदरणीय श्री राम विलास पासवान जी के पुत्र हैं, चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हालांकि चिराग पासवान जी से डायरेक्ट मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उनके ऑफिस से मुझे कॉल आया, उनके ऑफिस के लोगों ने सहयोग किया, मेरे तरफ से बहुत बहुत। जो भी सहयोग किए हैं ना मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी को आपने बचाया है, क्योंकि इस वक्त आप समझ सकते हैं कि वो बीमारी जिससे पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व जिससे लड़ रहा है, और वो बीमारी मुझे हुई है, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत परेशान था। तो इस वक्त जिनका भी सहयोग है, मैं उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, आप सबको पता है मैं बेबाक बोलने वाला व्यक्ति हूँ और मैं बोलता हूँ। जिनका सहयोग नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वो मेरे खिलाफ़ कुछ गलत सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन्होंने किया मुझे सहयोग, जिन्होंने किया, उनका नाम लेना मेरा धर्म बनता है। चूँकि आज मेरी ज़िंदगी, मैं आपको बताऊँ, अभी के डिस्पेंसर लगने के पहले मैं रात्रि 12 बजे से लेकर के अभी के 1 घंटा पहले तक मात्र मैं आधा लीटर पानी पिया था, मात्र 500 ml पानी पिया था। आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में मैं रहा हूँगा, लेकिन अब व्यवस्था हुई है आप सबकी दुआओं के बदौलत, आप सबके सहयोग के बदौलत, तो अच्छा लग रहा है कि आप सब सहयोग किए। और भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो उसमें खुशबू उत्तम जी का, नीतीश राठौर जी का, मोनू मल्होत्रा जी का, अजीत गप्पू जी का, अखलाक खान भैया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। नेता की बात करूं तो फिर से वही चीज़, कहने को सबके पास गया है, कोई नेता ये नहीं कह सकते कि मेरे पास मैसेज नहीं आया है। आज मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने इस वक्त बहुत कड़वी बात भी फील किया है। मैं नेता की बात करूं तो हमारे सांसद, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट के सांसद श्री राम कृपाल यादव जी के पुत्र का कहना है कि वो मेरा वोटर नहीं है, उनके पास जब हमारी मैटर पहुंचती है तो थर्ड पर्सन के तहत मुझे जानकारी मिली कि वो जातिवाद करता है, वो जातिवाद है। पता नहीं मैं किस अंग से जातिवाद में दिखाई दिया, ऊपर वाला जाने, लेकिन उनका ये भी कहना है कि वो मेरा वोटर नहीं है, उसने मुझे वोट नहीं किया। अभिमन्यु भैया
ऐसा कह करके ना आपने खो दिया संतोष को। आपका वोटर सच्चाई है कि मैंने आपको इस बार वोट नहीं किया था, ये सच है। पिछली बार मैं आपको वोट किया था, रामकृपाल चाको में पिछली बार वोट किया था, इस बार मैं वोट नहीं किया हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ। लेकिन इस वक्त वोट और राजनीति करने की बात नहीं थी, मेरी ज़िंदगी बचाने की बात थी और मैं जूझ रहा था मैं ज़िंदगी और मौत से, ये बात अलग थी। लेकिन आपने चलिए इसको भी वोट से जोड़ा, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, मेरे तरफ से हर वक्त यही दुआ रहेगी। लेकिन आप संतोष रेणु को आपने खो दिया है। आपने पहली बार जिस समय आप मंत्री भी थे, उस समय आपने बहुत बड़ा योगदान किया था कि मेरा एक भगना था उसको आपने एम्स में इलाज कराया था। चलिए इस बार मैं आपको वोट नहीं किया, सच्चाई है, तो आपका कहना भी सही था कि मैं आपका वोटर नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे सांसद तो थे। उसके बाद मैं दुर्भाग्यवश मैं एक और बात मैं कहना चाहूँगा, दुर्भाग्य कि हमारी विधायिका श्रीमती रेखा पासवान जी जो लालू जी की पार्टी से आती हैं, मैं उनको कॉल करता हूँ, आज ही मैं उनको कॉल किया हूँ, मैं परेशान होकर के, मैं अपने लिए, मैं कभी ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए भी मदद मांगी है, लेकिन आज तक मेरी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मैं अपने लिए भी किसी से मदद मांगा हूँ। लेकिन मरता क्या न करता मैं बहुत परेशान था, आप समझ सकते हैं कि रात्रि 12 बजे से लेकर के अभी की 1 घंटा पहले तक अगर आधा लीटर पानी पी करके इंसान हो इस गर्मी में तो क्या परिस्थिति उसकी होती होगी। मैंने विधायिका महोदया को कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते संतोष जी, आपको झेलना होगा, और बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। उनका कहना, मैंने कहा कि यहाँ के जो विधायक हैं उनसे प्लीज़ बात करके थोड़ा सा मुझे मदद करवाइए। उनका कहना था कि मैं कैसे बात कर सकती हूँ वहाँ के विधायक से, मेरे पास नंबर कहाँ से आएगा, ये होगा वो होगा। ये RJT की हैं, तेजस्वी जी की पार्टी की विधायिका हैं, रामकृपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लोग बोलते हैं कि इस पार्टी उस पार्टी, मुझे किसी पार्टी से ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, मैं मजबूर था। जब ज़िंदगी किसी की जब दांव पर लगती है तो कोई पार्टी नहीं सुहाती मेरे भाई, जो मदद करे ना वही मेरा मसीहा बन जाता है। यहाँ पे ज़िंदगी और मौत में पॉलिटिक्स दिखाई देती है क्या? तो यहाँ पे हमारे लिए तेजस्वी यादव जी की तरफ से भी कोई मदद नहीं आया, हमारे लिए नीतीश कुमार जी की तरफ से भी कोई मदद नहीं आया, हमारे लिए अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ तो मैं मोदी जी से तो मैं मदद नहीं मांगूँगा ना, जो हमारे लोकल जो सांसद हैं मैं उन्हीं से मदद मांगूँगा। वहाँ तक हमारी बातें पहुँची, मैंने रामकृपाल यादव जी के बच्चे के पास फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया, थर्ड पर्सन के थ्रू वहाँ तक मैसेज पहुँचवाया, वहाँ से ये कहा जाता है कि वो मेरा वोटर नहीं है। शर्म आनी चाहिए रामकृपाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। और मैं क्या कहूँ आपको, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी हैं वहाँ स्वस्थ रहिए, लेकिन थू आता है आप पे, जी करता है थूक दूँ मैं आपके चेहरे पर रामकृपाल जी, बू आ रही है कि आप जैसे सांसद जिंदा है इस धरती पे, मर जाना चाहिए यार रामकृपाल जी आपको। और अभी मन्नू यादव, शर्म करो यार, कितने कितने बेशर्म बन गए हो, मैं मर रहा हूँ यहाँ से भी, मैं दुआ ही दूंगा लेकिन शर्म करो, मैं नहीं चाहूँगा कि कभी आप प्रॉब्लम में आओ, लेकिन शर्म करो, शर्म करो। मैं आपका आपका ये कहना था ना कि संतोष रेणु मेरा वोटर नहीं है, छोड़ दो उसको, उस हालत पे संतोष रेणु मरेगा नहीं, संतोष रेणु कष्ट में है, ये झेलेगा और जिएगा, क्योंकि संतोष रेणु रामकृपाल यादव के लिए एक वोटर हो सकता है या वोटर नहीं हो सकता है, संतोष रेणु बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनके लिए भाई है। और थैंक्स एक बार पुनः प्रशांत सिंह राजपूत जी को, जिन्होंने कभी जातिवाद नहीं देखा यार, उनके लिए तो मैं जातिवादी नहीं हूँ। थैंक्स अखलाक खान जी का, जिनके लिए मैं, वो मेरे जाति के नहीं हैं ना मेरे संप्रदाय के हैं। थैंक्स नीतीश राठौर जी का, वो मेरी जाति के नहीं हैं। थैंक्स
अजीत गप्पू जी का, वो मेरे जाति के नहीं है, और ये रामकृपाल यादव के बच्चे को मैं जातिवाद नजर आने लगा। शर्म करो। अभी मन्नू यादव जी, इस बात के लिए खुशी मिलती है कि आप गरीबों के बीच राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं, भगवान आपको ऐसे ही बनाए रखे। चलिए मुझे ना सही, आप गरीबों के लिए अब कुछ तो, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन आप जो मन में जो रखे हुए हैं कि वो मेरा वोटर नहीं है, उसको जाने दो, बहुत गंदी हरकत है यार, बहुत चीप राजनीति है। ऐसी ओछी राजनीति मत कीजिएगा, ऐसे ओछी राजनीति से आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो शुरू से ही बोला कि मैं आपको इस बार वोट नहीं किया, इसका मतलब क्या कि आप सांसद मेरे नहीं हैं। मुझे बहुत हर्ट हुआ तेजस्वी यादव जी के, विधायिका, मसौढ़ी विधानसभा के विधायिका महोदया रेखा पासवान जी से। ऐसे लोगों को विधायक बनना नहीं चाहिए। ये लोग विधायक बन करके भी क्या करेंगे जनता के लिए, जिनको इतना भी सेंस नहीं है, इतना भी नॉलेज नहीं है कि मैं विधायिका हूँ तो वहाँ दूसरे स्टेट के विधायक से भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं कैसे बात कर सकती हूँ। ये हमसे बोलती हैं कि अगर वहाँ का नंबर है विधायक का तो मुझे अवेलेबल करवाइए। अरे रेखा पासवान जी, आपको मैं नंबर अवेलेबल कराऊँगा, इस्तीफा दो विधायिका से, आप दो इस्तीफा। बुद्धू आदमी, विधायिका बन गई हो, मैं नंबर अवेलेबल कराऊँ, विधायक आप हो और नंबर मैं अवेलेबल कराऊँ, शर्म से मरा नहीं जाता है कहीं पे? जब कहीं पे भी आप ये आप समझ जाइए कि बिहार में 243 एमएलए हैं, 22 एमपी हैं, एमएलसी हैं। मैं सिर्फ इतना अभी से भी मैं कह रहा हूँ, कोरोना से लड़ने चले हैं ना, कोरोना पॉजिटिव कोई आतंकवादी या उग्रवादी नहीं है, वो कोई कैदी नहीं है। आपको ये चाहिए कि अगर आपके क्षेत्र में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, आप उसकी हौसला अफजाई करें। वो बेचारा हौसला जब अफजाई होगा उसका, वो लड़ेगा, फाइट करेगा कोरोना से, और वो जीतेगा। और जब वो जीतेगा तो हमारा समाज जीतेगा, हमारा हिंदुस्तान जीतेगा। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधि मौज करते हैं अपने अपने ऑफिस में बैठ करके। ऐसे नहीं होता है। हमारे लिए बिहार का चीफ मिनिस्टर बोलो या जो बोलो, हमारे लिए तो ये जितने भी जो लोग जो मुझे इस वक्त मदद किए हैं, हमारे लिए वो है ना, हमारे लिए वो सांसद का काम कर रहे हैं, हमारे लिए वो विधायक का काम कर रहे हैं। मैं उनको मैं नाम जपूंगा ना। ये सब विधायक और सांसद ढकनी भर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार तुम लोग, रामकृपाल यादव और ये जो मोहतरमा विधायिका रेखा पासवान जी, मर जाना चाहिए। और जितने भी लोग हैं प्लीज़ उनके पास भेज दीजिए ये वीडियो, ये क्या मैं कहूँ इस सब व्यक्ति को। अभी से भी जितने भी लोग हैं प्लीज़, जितने भी सांसद हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि चलो संतोष रेणु तो बात की बात है, संतोष रेणु झेल रहा है। आज बहुत सारे लोग के मदद से मुझे वो चीज़ सपोर्ट मिला, और थैंक्स राजीव गांधी हॉस्पिटल के डायरेक्टर जो समझे इस बात को, यहाँ के नोडल ऑफिसर जो समझे इस बात को, यहाँ पे कम से कम जो व्यवस्था किया है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बू आती है आप पे मुख्यमंत्री कहते हुए, ये शर्म लगता है कि मैं बिहार का बंदा, मैं बाहर में फंसा हुआ हूँ और हमारे मुख्यमंत्री को इतनी तक होश नहीं है क्या? बिहार का कोई एमएलए, बिहार के कोई मिनिस्टर ये बोल दें कि मुझे जानकारी नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि मेरे पास सारा प्रूफ आ चुका है, लगभग मेरे पास प्रूफ है, बिहार के सारे जितने भी लोग हैं वो सब लोग के पास ये मेरे बारे में ये खबर जा चुकी है। मैं प्यासा में मर रहा था, मैं प्यासा मर रहा था यहाँ पे,
जितना मैं परेशान मैं बाहर में नहीं था उससे ज़्यादा परेशान मैं यहाँ पे आकर के मैं हुआ था। लेकिन मैं सभी लोगों से मैंने मदद मांगा, किसी ने मदद नहीं किया, मुझे मदद किया एक्स एमपी सांसद अरुण कुमार शर्मा ने, अरुण कुमार सिंह जी जो जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं, ओबरा विधानसभा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश बाबू ने मदद किया, गया जिले से प्रशांत सिंह राजपूत जी ने मदद किया, अखलाक खान जी ने मदद किया, चिराग पासवान जी जो अभी वर्तमान सांसद हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के, रामविलास पासवान जी भारत सरकार में जो मंत्री हैं उनके बच्चे, तो कोई बात नहीं। नहीं मैं किसी को मैं कुछ मैं गाली नहीं देने वाला हूँ, मैं किसी को कुछ गाली नहीं देने वाला हूँ। क्या होगा, इन लोगों को गाली भी दोगे तो इनकी पब्लिसिटी हो जाएगी, ये इनको ढकनी भर पानी में, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। राम कृपाल यादव के बच्चे, इनका कहना है कि संतोष रेणु मेरा वोटर नहीं है। अरे यार, हूँ तो मैं आप ही के लोकसभा क्षेत्र का वोटर, तो बात की बात है। इनका कहना है कि मैं जातिवादी करता हूँ, मैं जातिवाद व्यक्ति हूँ। शर्म करो यार, शर्म करो। प्रशांत सिंह राजपूत मेरे जाति से नहीं आते हैं, अखलाक खान मेरे धर्म से नहीं आते हैं, अजीत गप्पू मेरे जाति से नहीं आते हैं, नीतीश राठौर मेरे जाति से नहीं आते हैं, अरुण कुमार सिंह एक्स एमपी ये मेरे जाति से नहीं आते हैं। क्या यार, उन लोगों को मैं जातिवाद नज़र नहीं आया और आपको मैं जातिवाद नज़र आ गया। शर्म करो, शर्म करो। अभी से भी कम से कम अगर क्षेत्र में अगर कोई लोग अगर आए तो प्लीज़ संतोष रेणु को नहीं किया कोई बात नहीं, उनको ज़रूर करना, क्योंकि आप वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और आपका यह दायित्व बनता है। ऐसे ही आपको वहाँ पे कोई तो लोग सपोर्ट करके आपको बनाया, ठीक है हमने नहीं सपोर्ट किया आपको, कोई तो सपोर्ट करके आपको बनाया। प्लीज़ कोरोना को लेकर के राजनीति मत कीजिए, कोरोना को लेकर के राजनीतिक विचार मन में मत रखिए। कोरोना पॉजिटिव न तो राजनीति से प्रेरित होता है, न तो वो आतंकवादी है न उग्रवादी है। कोरोना पॉजिटिव एक बीमार है आदमी, वो मजबूर है और उसे आपकी सहानुभूति की ज़रूरत होती है, उसे आपके सहयोग की ज़रूरत होती है। जितने भी लोग हैं मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया मैं कहूँगा, जिन्होंने सपोर्ट किया उनका मैंने नाम लिया। और मैं क्या कहूँ, मैं अपने क्षेत्र की मैं बात करूं तो भोजपुरी क्षेत्र है मेरा, उस क्षेत्र की मैं बात करूं अरुण सिंह भोजपुरिया काका का बहुत बहुत सहयोग रहा। उसके बाद सिंगर खुशबू उत्तम जी का सहयोग रहा, ज्योति कश्यप जी का सहयोग रहा, इसके अलावा किसी का सहयोग नहीं रहा मुझे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मुझे कभी दुख नहीं होता दोस्त, क्योंकि मुझे पता है एक दिन सबको जाना है, मैं भी जाऊंगा किसी न किसी दिन, कुछ भी बहाना हो सकता है जाने का। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आप सबको कि आप सबके लिए आज भी मेरे लिए दुआ है मेरे तरफ से कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप सब किसी प्रकार की प्रॉब्लम में ना रहें। और जब रहिएगा तो जिस तरह से मैं आज तक सामने वाले के कभी कोई भी हो, किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, मैं खड़ा होते आया हूँ, मुसीबत में आपका भाई बनते आया हूँ और मैं आगे मैं जिंदा रहा तो फिर मैं बनता रहूँगा। मैं मानने वालों में से नहीं हूँ, मेरे लिए कोई जाति कोई धर्म गरीब अमीर कुछ नहीं होता है, मेरे लिए बस इंसानियत इंसानियत होती है। आप और मैं आ रहा हूँ वापस, और पप्पू यादव जी के बारे में बात आ रही है, पप्पू यादव जी की तरफ से भी कोई मदद नहीं आई है। पप्पू यादव जी ने यहाँ तक कि वो मन की बात में उन्होंने नाम लिया था कि तूफानी लाल यादव जी के भाई हैं जो आए थे मेरे पास मदद के लिए। पप्पू यादव जी, मैं आपके पास मदद के लिए पहले मैं गया था, इस बार जो मैं गया था ना आपके पास 18 तारीख को जो मैं आपके पास गया था अपनी मदद के लिए मैं नहीं गया था, 18 तारीख को जो मैं गया था वो इसलिए गया था कि
कि कुछ लोग का मेरे पास फ़ोन आता है, जैसे लोग उम्मीद करके मेरे पास फ़ोन करते हैं, जो बेचारे जहाँ कहीं लॉकडाउन के वजह से फंस गए हैं। तो मेरे पास संसाधन की कमी हो रही थी, तो मैं इसीलिए मैं आपके पास गया था कि ताकि मैं वो नंबर मैं आपको देता, वो उनका एड्रेस मैं आपको देता, ताकि वहाँ तक कुछ आप उनको मदद कर देते। मैं खुद की मदद के लिए आपके पास नहीं गया था पप्पू यादव जी, लेकिन फिर भी आपको सैल्यूट, आप मदद कर रहे हैं लोगों का, और जितने भी लोग मदद कर रहे हैं उनको सैल्यूट। लेकिन मैं भी एक गरीब का बेटा था, मैं भी एक हिंदुस्तान का नागरिक था, मैं भी एक समाज का बेटा था, मुझे भी उम्मीदें थीं। लेकिन जो मैंने कष्ट झेला 12 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे करीब 14-15 घंटे तक मैं आधा लीटर पानी पी करके मैं ज़िंदा रहा हूँ, और ये बात पूरी उम्र मुझे याद रहेगी। पूरी उम्र मैं अपने सांसद महोदय और अपनी विधायिका महोदया को भूल नहीं पाऊँगा, और नीतीश कुमार जी को पूरी उम्र याद रहेंगी कि जिस वक्त एक ऐसा भी वक्त था जब मैं ज़िंदगी और मौत से मैं जूझ रहा था, मुझे पता नहीं चल रहा था, यहाँ पे लोग छटपटा रहे थे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने आप को मैं कैसे बचाऊँ, क्योंकि बाहर से ताला लॉक था। तो उस वक्त जिन्होंने भी मुझे सहयोग किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो लाइव आकर के मुझे सहयोग किए, बहुत सारे लोग जो मेरे लाइव को शेयर करके सहयोग किए, सभी लोगों का शुक्रिया दिल से। आप सब सतर्क रहें, आप सब जहां हैं वहां पे अपने आप को खुश रखें। एक बात मैं हर बार मैं बोलता आ रहा हूं, और एक मैं जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मैं सरकार से बात मैं बोलता रहूँगा, और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी हूँ यहाँ पे, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ तो व्यवस्था अच्छी हो गई, यहाँ पे व्यवस्था में सुधार हो रही है। मैं चाहूँगा सरकार से, अगर ये लाइव कहीं भी पहुँचे, वहाँ के स्टेट सीएम से मैं बोलना चाहूँगा, उस स्टेट के सीएम से, वहाँ के मंत्री से, विधायक से, कि प्लीज़ अपने अपने क्षेत्र में जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ध्यान जरूर दीजिए। यहाँ पर संतोष रेणु बोलने वाला था, संतोष रेणु को 10 लोग जानते थे, 10 लोगों के माध्यम से ये बातें फैली। संतोष रेणु का कुछ अप्रोच था जिसके वजह से डॉक्टर साहब तक बात पहुंचा, डायरेक्टर साहब तक पहुंचा, तो यहाँ पे व्यवस्था कुछ हुई। बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। प्लीज़ विधायक महोदय, सांसद महोदय और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को, सर आप ऊपर से तो घोषणा कर देते हैं, मैं चीफ मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि आप ऊपर से घोषणा तो कर देते हैं, राशि भी दे देते हैं, लेकिन क्या वो राशि, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है, क्या उस राशि का बंदरबाट तो नहीं हो रहा है, क्या वो राशि घोटाले में तो नहीं जा रही, इसका ख्याल ज़रूर करें। हम कोरोना पीड़ित जितने भी लोग हैं आपके भरोसे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, देश को सहयोग कर रहे हैं। हम सब कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम सब कोई चोर नहीं है, कोई कैदी नहीं है। सो प्लीज़, डॉक्टर्स जितने भी हैं मैं उनकी भी मजबूरी समझ रहा हूँ, संक्रामक बीमारी है, कोई लोग नज़दीक आएंगे तो उन्हें भी होने का डर रहेगा, लेकिन प्लीज़ आप भी मानवता दिखाइए। कम से कम पानी की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे से बात तो दूरी से तो कम से कम कर सकते हैं। तो अपने लेवल पे मानवता दिखाइए, यदि आप अपने लेवल पे मानवता दिखाएंगे तो मुझे लगता है कोरोना फाइटर्स बहुत जल्दी जंग जीत करके और सामने आएंगे, और थैंक्स आपको दिल से थैंक्स कहेंगे। और बहुत जल्दी अगर कोरोना फाइटर्स से अगर आप मतभेद करेंगे तो मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान सदियों सदियों तक कोरोना से नहीं जीत पाएगा। और कोरोना फाइटर्स के साथ यदि आप इंसान के रूप में पेश आ गए, अगर सरकार अगर सही रूप से अगर इम्प्लीमेंट कर देगी कोरोना फाइटर्स के साथ, तो मैं कह रहा हूँ 1 महीने काफ़ी हो जाएंगे कोरोना से, हम सब जीत जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान जीत जाएगी 1 महीने में, अगर आप कोरोना वालों के साथ सही ट्रीटमेंट कीजिए। जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो 1 महीना काफ़ी हो जाएगा हिंदुस्तान को कोरोना से जीतने में, वरना आप सदियों सदियों तक आप कोरोना से नहीं जीत पाएंगे। जो व्यवस्था, जो लचर व्यवस्था होती है, लचर व्यवस्था के साथ आप नहीं जीत सकते, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था हुई है, अच्छी व्यवस्था। चलिए, दिल से शुक्रिया, जितने भी लोग सपोर्ट किए उनका दिल से शुक्रिया।
और मैं क्या कहूँ, लव यू आप सबको, आप सबों ने, बजरंगी जी, बजरंगी यादव जी, आपने भी बहुत शेयर किया है, आपका भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। जितने भी लोग हैं तूफानी लाल यादव जी के बारे में पूछ रहे हैं, तूफानी लाल यादव जी का एक रिपोर्ट नेगेटिव आया है, ऊपर वाले से कामना कीजिए अगला भी रिपोर्ट नेगेटिव आए और बहुत जल्दी वो बेचारे वहाँ से बाहर निकलें, हम सब के बीच वो आएँ। खास करके अभी हमारे बीच तो नहीं आए, मैं तो खुद पॉजिटिव हूँ दोस्त, वो कम से कम दुनिया के बीच आएँ और वो स्वस्थ रहें। बाकी चलिए, दिल से शुक्रिया आपको। और ये देखिए जो आंटी जो कल रो रही थी, देखिए आज कम से कम बेचारी सुकून से सोई हुई है, आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये आप सब की दुआओं का असर है, आप सब के सहयोग का असर है। चलिए थैंक्स आपको, आपने सपोर्ट किया, दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू आप सबको। आगे भी अगर कोई मुझे परेशानी होगी तो मैं लाइव आऊँगा, प्लीज़ इसको पब्लिसिटी मत समझिएगा दोस्त, मैं ज़िंदगी के लिए मैं लाइव आता हूँ, मैं ज़िंदगी बचाने के लिए लाइव आता हूँ, इसको पब्लिसिटी में मत लीजिएगा। आगे अगर परेशानी होगी मैं लाइव आऊँगा, आप सब प्लीज़ सहयोग कीजिएगा। और एक बार पुनः जितने भी सांसद और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, कोई कोरोना संदिग्ध पाया जाता है, तो प्लीज़ उसके साथ मानवता के नाते उससे बात कीजिए, उसका हौसला अफजाई कीजिए। वहाँ पे ये मत देखिए कि वो आपको वोट दिया है, वो आपको वोट नहीं दिया है, वो आपकी पार्टी से है, किसकी पार्टी से है, कोई मतलब नहीं है, वो एक इंसान है, आप ये समझिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू आप सबको। आपका अपना संतोष रेणु यादव, और मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। आप सबकी सेवा लगातार जारी रहेगी, आप सब मुसीबत में रहेंगे, आप सब दुआ कीजिए कि जितना जल्दी मैं निकल जाऊँ यहाँ से। जो लोग सहयोग किए उनको दिल से लव यू, जो लोग सहयोग नहीं किए उनको भी चलिए दिल से शुक्रिया। आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आपके परिवार अच्छे रहें, मेरा हिंदुस्तान अच्छा रहे, मेरा पूरा समाज अच्छा रहे, चाहे उस समाज में गरीब हो अमीर हो, मेरा वो समाज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिला करके बनता है, सारा समाज मेरा अच्छा रहे, मेरा हिंदुस्तान अच्छा रहे। लव यू आप सबको, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका भाई संतोष रेणु यादव, थैंक्स।